सबसे पहले है हमारे पास इंपायर टे बेस बार्निश्ड कैमब्रिक यानी कि इसकी ए ऑप्शन सही है इसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन एन इंडक्शन मोटर विद 1000 थाउजेंड आर पी एम स्पीड विल हैव ये एक बड़ा आसान सा अनुमेरिकल है अगर आप इसको सोल्व करते तो इसका सही आंसर आता है बी यानी कि सिक्स पोल इसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन इंडक्टर डज नॉट अलो द सडन चेंज ऑफ करंट यानी कि इसकी ए ऑप्शन सही है इसके बाद है हमारा बिच क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ एनिट वन के डब्ल्यू एच यानी कि केलो वाट आवर ये भी एक बड़ा आसान और बेसिक सा क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है ए यानी कि एनर्जी इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन द कैपेसिटेंस बिटवीन टू प्लेट्स इंक्रीज विद जो कैपेसिटेंस होती है दो प्लेट्स के बीच में वो कब इंक्रीज करती है जब प्लेट का एरिया ज़्यादा होता है और उस उनमें डिस्टेंस कम होता है यानी कि इसकी डी ऑप्शन सही है इसके बाद है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन बट शुड बी द नेचर ऑफ बैंड फॉर ए गुड कंट्रोल सिस्टम इसका सही आंसर है ए यानी कि स्क्योर स्टेक इसके बाद चलते हैं अपने सेवंथ क्वेश्चन पे सेवंथ क्वेश्चन है हमारा वट इज़ द यूज ऑफ फेमर चीजल इसका सही आंसर है बी यानी कि जनरल चीजलिंग वर्क ये वर्कशॉप के रिलेटेड क्वेश्चन है इसके बाद चलते हैं हम एट्थ क्वेश्चन पे विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू टेस्ट द डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन इसका सही आंसर है बी यानी कि मैगर इसके बाद हम चलते हैं अपने नाइन्थ क्वेश्चन पे वट इज द कंडीशन फॉर ऑबटेनिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी फ्रॉम ट्रांसफार्मर दोस्तों मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की कब होती है जब कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस होते हैं सो so, इसका सी ऑप्शन सही है इसके बाद है हमारा टेंथ क्वेश्चन वट इज़ द फॉर्म फैक्टर फॉर साइनोसोइडल ए सी दोस्तों ये भी एक बड़ा आसान सा बेसिक क्वेश्चन है सो so, इसका जो सही आंसर है वन पॉइंट वन वन इसके बाद हम चलते हैं अपने एलेवंथ क्वेश्चन पे इन विच थ्री फेस सिस्टम द आर्टिफिशियल न्यूट्रल इज रिक्वायर्ड टू मेजर द फेस वोल्टेज इसका सही आंसर है सी यानी कि थ्री वायर डेल्टा कनेक्शन में हमें आर्टिफिशियल न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है उसके बाद चलते हैं हम अपने ट्वेल्थ क्वेश्चन पे विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पी पी ई इज़ यूज फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूम्स इसका सही आंसर है ए ऑप्शन एप्रन इसके बाद चलते हैं हम अपने थर्टीन क्वेश्चन पे विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड इज टू बी परफॉर्म टू द विक्टिम विद इंजरीज ऑन द चेस्ट एंड बेली दोस्तों ये सेफ्टी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है इसका सही आंसर है डी ऑप्शन इसके बाद चलते हैं हम अपने फोर्टीन क्वेश्चन पे बट इमीजिएट एक्शन शुड बी टेकन टू रेस्क्यू द विक्टिम इफ ही इज स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई दोस्तों ये भी सेफ्टी के रिगार्डिंग है क्वेश्चन इसका सही आंसर है डी यानी कि ब्रेक द कॉन्टैक्ट बाई स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई इसके बाद हम चलते हैं अपनी फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन पे व्हाट इज द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट लैंप इसका सही आंसर है सी यानी कि टू थाउजेंड डिग्री सेल्सियस इसके बाद चलते हैं अपने सिक्सटीन क्वेश्चन पे हाउ स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट इन इंडस्ट्रियल ट्विन ट्यूब लाइट फिटिंग इज रिड्यूज इसका सही आंसर है सी कनेक्टिंग कैपेसिटर इन द सीरीज विद वन ट्यूबलाइट इसके बाद हम चलते हैं अपने सेवनटीन्थ क्वेश्चन पे वट शुड बी द नेचर ऑफ बैंडवर्थ फॉर गुड कंट्रोल सिस्टम इसका सही आंसर है हमारा सी लार्ज इसके बाद हम चलते हैं अपने एटीनथ क्वेश्चन पे द आउटपुट ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम मस्ट बी ए फंक्शन ऑफ इनपुट एंड फीडबैक सिग्नल यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है इसके बाद चलते हैं हम अपने नाइनटीन क्वेश्चन पे इन ए कंट्रोल सिस्टम द आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर इज गिवन टू फाइनल कंट्रोल एलिमेंट यानी कि इसकी सी ऑप्शन सही है इसके बाद है इन ए टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम बट कन्वर्जन इन सिग्नल टेक प्लेस इसका सही आंसर है एनालॉग टू डिजिटल यानी कि इसकी डी ऑप्शन सही है इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इन न्यूमेट्रिक कंट्रोल सिस्टम द कंट्रोल बल्ब यूज एज द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट कन्वर्ट्स इसका सही आंसर है डी यानी कि प्रेशर सिग्नल टू पोजिशन चेंज इसके बाद चलते हैं अपने ट्वेंटी टू नंबर क्वेश्चन पे द इनपुट सिग्नल टू कंट्रोल सिस्टम आर नॉट नोन फुली हेड ऑफ टाइम द करेक्टिस्टिकोल सिस्टम विच सडनली स्ट्रेन ए कंट्रोल सिस्टम आर इसका सही आंसर है डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिज इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री पे सैंपलिंग इज नेसरी फॉर वेयर हाई एकूरेसी इज़ रिक्वायर्ड सैंपलिंग कहाँ जरूरी होती है जहाँ पे एक्यूरेसी हमें ज़्यादा चाहिए होती है इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पे ए पर्टिकुलर कंट्रोल सिस्टम ली ए स्टेडी स्टेट एरर ऑफ जीरो पॉइंट टू जीरो फोर यूनिट स्टेप इनपुट दोस्तों ये एक छोटा सा नोमेरिकल है अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका सही आंसर आता है सी यानी कि पॉइंट टू फाइव इसके बाद आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोट द करेक्टिस्टिक ऑफ क्लोज लूप सिस्टम इसका सही आंसर है ए ऑप्शन यानी कि इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल द सिस्टम ट्रांजिट रिस्पॉन्स इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स पे जो है द एनियम पी एल सी स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल यानी कि इसकी बी ऑप्शन सही है इसके बाद बिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूजली फेब्रिकेटेड आउट ऑफ सिलिकॉन स्टील इसका सही आंसर है स्टेटर कोर इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट पे डबल स्क्यूल के इंडक्शन मोटर हैज़ टू पैरलर बैंडिंग इन रोटर इसकी सी ऑप्शन सही है इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन पे एन इंडक्शन मोटर इज टू टू एनालोगडिंग ट्रांसफॉर्मर विद सेकेंडरी शॉर्ट सर्किटेड इसकी बी ऑप्शन सही है इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी पे विच ऑफ द फॉलोइंग लोसेज आर निग्लिजिबल इन ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट ये भी बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है इसका सही आंसर है दोनों होते हैं इसमें मैकेनिकल लोसेज और आयरन तो इसकी सही ऑप्शन है सी इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इसमें इन इंडक्शन जनरेटर ऑपरेशन टू द स्लिप इज ऑलवेज इसका सही आंसर है बी ऑप्शन नेगेटिव इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू पे इफ द अप्लाइड रेटेड वोल्टेज पर फेस इज रिड्यूज टू वन हाफ

जीरो यानी कि इसकी ए ऑप्शन सही है इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव पे ए फोर पॉइंट थ्री फेस ये भी एक नोमेरिकल है दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका सही आंसर आता है सिक्स हर्ट्स यानी कि डी ऑप्शन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स द स्टार्टिंग ऑफ ए थ्री फेस इंडक्शन मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्योर सप्लाई वोल्टेज यानी कि इसकी भी सी ऑप्शन सही है इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन पे द थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज सो डिजाइंड दैट द रोटर शुड हैव अंडर रनिंग कंडीशन इसका सही आंसर आएगा लो डिस्टेंस यानी कि बी ऑप्शन सही है इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन थर्टी एट पे द जनरेटिंग वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इन इंडिया इज अबाउट एलेवन के वी एंड फिफ्टी हर्ट्स ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इन ट्रांसमिशन सिस्टम द वेट ऑफ कॉपर इज प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ वोल्टेज यानी कि ए ऑप्शन सही है इसके बाद नेक्स्ट है हमारा द मोस्ट सूटेबल प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिक्स पॉइंट सिक्स के वी इसके बाद है नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस आर ये बहुत ही आसान एक क्वेश्चन है हमारा इसका है ओवरहेड यानी कि बी ऑप्शन सही है इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर है फोर्टी पे द करोना अकर बिटवीन टू ट्रांसमिशन कंडक्टर वैन दे आर क्लोज आर क्लोजली स्पेस्ड कैरी दिस पावर नहीं है हैव हाई पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ए और बी दोनों सही है सो so इसका आंसर आ गया डी बोथ ए एंड बी इसके बाद है द टो मोस्ट कंडक्टर इन द हाई ट्रांसमिशन लाइन इज अर्थ कंडक्टर

नॉन मैग्नेटिक इसका है डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स पे फॉर द सिंगल फेस टू वायर सिस्टम द मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन द आउटर वायर एंड अर्थ इज वी अपॉन अंडर रूट टू यानी कि ए ऑप्शन सही है फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द मैक्सिमम वोल्टेज एट द मिड पॉइंट विल बी वन फाइव नेक्स्ट है हमारा फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम for the substation fed with 315 kv the voltage between the two outer conductor is इसकी सही ऑप्शन है हमारी सॉल्व करेंगे तो 445.5 kv नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 पे 482 by rcsignal स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यह भी एक एक्नोमेरिकल है अगर इसको सोल्व करते हैं तो इसका जो सही आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारा इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन हमारा डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट बोथ हैंड है इसका बाद हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट है ए सिलीकोन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर यानी कि एस सी आर इज ए डिवाइस विद थ्री जंक्शन इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री विथ सेमी कंडक्टर पावर डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट ट्रिगरिंग डिवाइस इसका सही आंसर है हमारा डी मोस्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर है हमारा द एडवांटेजेज ऑफ एस सी एस ओवर एस सी आर इज फास्टर स्विचिंग टाइम एंड समॉलर यानी कि सी ऑप्शन सही है इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव पे ट्राइक इज ए थ्री टर्मिनल बायलेटरल स्विच यानी कि सी ऑप्शन सही है इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स पे द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द पल्स इन पल्स ट्रिगरिंग सिस्टम फॉर शुड बी एट टेन माइक्रोसे ये ऑप्शन सही है नेक्स्ट है हमारा अर्थ वायर रोड ग्राउंड वायर इज मेड ऑफ गेल्बनाइज स्टील ये ऑप्शन सही है नेक्स्ट विच वेन एन एडिशनल रजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस द एग्जिस्टिंग पैलस सर्किट द टोटल रजिस्टेंस डिक्रीज डी ऑप्शन सही है इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन पे नेगेटिव फीडबैक इज एम्प्लॉयड इन एम्पलीफायर्स ए ऑप्शन सही है एन ओसिलेटर ऑसिलेशन यानी कि बी ऑप्शन सही है नेक्स्ट है ए ट्यून्ड एम्पलीफायर इज यूज इन रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन यानी कि इसकी ए ऑप्शन सही है इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू पे जीना डायोड कैन बी यूज एज बोथ डी सी एंड एसी सी वोल्टेज रेगुलेटर इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री पे इस स्विच हैज टू स्टेट्स भी ऑप्शन सही है एन एस सी आर बिहेव एज यूनिटर स्विच ए ऑप्शन सही है नेक्स्ट है ए ट्रायक फोर सेमी कन्क्टर यानी कि सी ऑप्शन सही है इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे द एक्टिव कंपोनेंट इन एन इंटीग्रेटेड चिप आर ट्रांजिस्टर एंड डायोड्स इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे ए ग्लोबेनोमीटर इन सीरीज विद द हाई रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ए वोल्ट मीटर यानी कि बी ऑप्शन सही है इसके बाद है हमारा सिक्सटी एट नंबर क्वेश्चन ए ट्रांजिस्टर बिहेव एज ए लीनियर डिवाइस फॉर स्मॉल सिग्नल ओनली यानी कि ए ऑप्शन सही है इसके चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन पे इलेक्ट्रिक प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड बहुत voltage, ही ऐसा सा क्वेश्चन है इसका आंसर है वोल्टेज यानी कि सी ऑप्शन सही है नेक्स्ट द लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू चार्ज पार्टिकल आर ऑलवेज कॉड्ड यानी कि बी ऑप्शन सही है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटी वन ए मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड मूविंग चार्जेस यानी कि इसकी डी ऑप्शन सही है इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू पे विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट स्टोर एनर्जी इन एन इन द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टेंस ए ऑप्शन सही है नेक्स्ट द कैपेसिटी ऑफ ए लेड एसिड सेल डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स रेट ऑफ चार्ज डी ऑप्शन सही है. है इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर पे द आर्मेचर ऑफ डीसी जनरेटर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूज एडी करंट लॉस यानी कि इसकी डी ऑप्शन सही है इसके बाद बिच डी सी मोटर इज प्रेफर्ड फॉर एलिवेटर इसका सही आंसर है क्यूमलेटिव कंपाउंड मोटर डी ऑप्शन सही है इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स पे बिच ऑफ द फोलिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है इसका सही आंसर है एक्साइटर हैसेटर ट्रांसफॉर्मर नहीं लगा होता है इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन जनरल अवेयरनेस हिमाचल से पार्ट सी स्टेट बिलासपुर वाज मजड विद हिमाचल प्रदेश ऑन पार्ट सी राज्य हिमाचल बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश के साथ कब विलय हुआ था इसका सही आंसर है एक जुलाई उन्नीस सौ चौवन ये ऑप्शन सही है इसके बाद है ऋग्वेद में बताए अनुसार देवोदास एवं के बीच युद्ध कितने वर्षों तक चला रहा इसका सही आंसर है बी चालीस वर्षों तक इसके बाद है 1621 सौ ईस्वी में किस शहर में जहांगीर ने एक किले के अंदर मस्जिद का निर्माण करवाया था इसका सही आंसर है डी नगरकोट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर एटीन उन्नीस में जब पुलिस ने धामी में जन समूह पर आक्रमण किया था तब ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे इसका सही आंसर है ए यानी कि जवाहरलाल नेहरू उसके बाद है हमारा हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय समिति के पहले सभापति कौन थे ठाकुर करम सिंह सी ऑप्शन सही है इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर एट्टी टू छानन विद्युत परियोजना जो जोगिंदर नगर में स्थित है का प्रबंधन कौन करता है इसका सही आंसर है हमारा पी एस ई वी यानी कि पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसकी बी ऑप्शन सही है दोस्तों इसका जो कॉन्ट्रैक्ट टाइम है वो खत्म होने जा रहा है 2024 से ये हिमाचल प्रदेश के पास आ जाएगा यानी कि इसका पूरा कंट्रोल हिमाचल के पास आ जाएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर एटी थ्री हमारा कांगड़ा पेंटिंग किताब किसके द्वारा लिखी गई इसका सही आंसर है एम एस रंधावा क्वेश्चन नंबर एट्टी फोर है हमारा हिमाचल प्रदेश में उद्यानिक एवं बानिकी के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ए नूनी इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कुंजू तथा चंचलू जिनकी प्रेम कथा आज भी जवान दिलों को प्रोत्साहित करती है कहाँ से है इसका सही आंसर है ए चंबा से इसके बाद है हमारा महिमा लाइब्रेरी महिमा पुस्तकालय कहाँ स्थित है इसका सही आंसर है सी नाहर टी यानी कि सेंटर फॉर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है ये हमारे शिमला के कुफरी में यानी कि डी ऑप्शन सही है इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर एटी एट दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला डाकघर जो पाँच नवंबर उन्नीस को हिमाचल प्रदेश में खोला था वो कहाँ पे है वो है हमारा हिक्किम में यानी कि ए ऑप्शन सही है उसके बाद है बिच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर है ए सतलुज उसके बाद हमारा द जोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज यानी कि हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है इसकी ए ऑप्शन सही है उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन पे द हेड क्वार्टर ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज यानी कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले का मुख्यालय कहाँ पे नाहन में ये ऑप्शन सही है इसके बाद है निम्न में से दिगंबरों के लिए कौन सा सही नहीं है इसका सही ऑप्शन है बी बेस्ट फेज वस्त्र नहीं पहनते इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री पे भारत में नव प्रस्तर काल के दौरान लोगों को मात्र किस धातु की जानकारी थी इसकी सही ऑप्शन है सी गोल इसके बाद है हमारा अशोक की अमर प्रसिद्ध मुख्य आश्रित है धर्म एवं नैतिक शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्य इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव है हमारा किसने कृष्ण की भक्ति की एव कृष्ण भक्ति पंथ का प्रचार किया था इसका सही ऑप्शन है सूरदास इसके बाद है मुगल काल में उत्तराधिकार का सबसे कटु युद्ध किसके बेटों के बीच लड़ा गया इसका सही ऑप्शन है शाहजहां इसके बाद है गोवा में सर्वप्रथम उपनिवेश किसने स्थापित किया इसका सही ऑप्शन है पुर्तगाली ने इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर नाइनटी एट पे बिच ऑफ द फॉलिंग इज द ओल्डेस्ट मॉनुमेंट इसका सही ऑप्शन है ए सबसे पुराना स्मारक है अजंता इसके बाद है परमधाम आश्रम किसके द्वारा स्थापित किया गया था इसका सही ऑप्शन है आचार्य विनोबा भावे क्वेश्चन नंबर हंड्रेड असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था उन्नीस में इसके बाद है रामप्रसाद बिस्मिल किसके साथ जुड़े हुए थे है ककोरी बम के इसके।, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर वन जीरो टू यंग इंडिया किसके द्वारा संपादित किया गया था इसका सही ऑप्शन है महात्मा गांधी नेक्स्ट है भारत में किसने अंग्रेजी में शिक्षण की नींव रखी लॉर्ड मैकॉले इसके बाद है शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था इसका सही आंसर है आर्य समाज यानी कि सी ऑप्शन सही है नेक्स्ट है भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास किसके समान संवैधानिक अधिकार है इसका सही आंसर है ब्रिटिश मुनार्क यानी कि ए ऑप्शन सही है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर एक सौ राज्यसभा किसके द्वारा विघटित की जा सकती है इनमें से कोई नहीं यानी कि डी ऑप्शन सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द टाइम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड यानी कि संसद की दो बैठकों के बीच का समय अंतराल कितने समय से ज्यादा नहीं होना चाहिए छह महीने यानी कि बी ऑप्शन सही है नेक्स्ट है लोकसभा का कार्यकाल सामान्यता होता है पांच वर्ष का बी ऑप्शन सही है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं इसका बी ऑप्शन सही है उपराष्ट्रपति नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा एक सौ दस केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होते हैं इसका सही आंसर है डी संसद के लोकसभा के प्रति ठीक है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर एक सौ ग्यारह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति की आयु है बासठ ऑप्शन सही है उसके बाद है मुद्रास्थिति का प्रमुख लक्षण है कालाबाजारी की उपस्थिति ऑप्शन सही है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक सौ तेरह है आठवीं पांच वर्षीय योजना का कार्यकाल था उन्नीस सौ बानवे से लेकर उन्नीस सौ सतानवे तक सही है गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था उन्नीस सौ इकहत्तर में ए ऑप्शन सही है नेक्स्ट डियर मनी अर्थात ब्याज की अधिक दर नेक्स्ट है ब्याज दर नीति किसका एक घटक है मुद्रा मौद्रिक नीति का नेक्स्ट है भाटा लो टाइड होती है स्ट्रॉन्ग वीक मोडरेट वेरी वीक ये होती है वीक नेक्स्ट है समदावर रेखा दर्शाती है दाब यानी कि प्रेशर आईसो लाइन शोज प्रेशर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी शैल है यानी कि इग्निशियस रॉक इसका सही आंसर है बसऑट नेक्स्ट है पर्णपत्ती पेड़ प्रतिवर्ष अपने पत्ते खो देते हैं नेक्स्ट पृथ्वी का सबसे बड़ा परिस्थितिक तंत्र है जीव मंडल यानी कि ऑप्शन नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश है वैटिकन सिटी निम्न में से कौन सा रेड इंडियन से संबंधित है इसका सही ऑप्शन है नॉर्थ अमेरिका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है कौन सा राज्य सेवन सिस्टम का एक कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स का एक सदस्य है जो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है इसका सही आंसर है त्रिपुरा सेवन सिस्टर नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं सो नॉर्थ ईस्ट में हमारा त्रिपुरा पड़ता है नेक्स्ट है भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है इसका सही ऑप्शन है नेक्स्ट है नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है इसकी सही ऑप्शन है गोदावरी नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी बीमारी सामान्यतः वायु द्वारा फैलती है रोग शयरोग्यूबल नेक्स्ट है दाढ़ है तृतीय दाढ़ मोलर। इसके बाद है, कौन सा अंग कोख के लिए वैकल्पिक शब्द है गर्भाशय कौन सा शीत रक्त वाला प्राणी है स्नेक यानी कि सांप। उसके बाद सबसे बड़ा श्वेत रुक्ताणु है यानी कि लार्जेस्ट वाइट ब्लड कैप्सल इज मोनोसाइट। नेक्स्ट है बिच फिनोमिना शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नेक्स्ट है साउंड वेव ऑफ द वेवलेंथ ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑडिबल साउंड आर कॉल्ड इन्फ्रासोनिक वेव नेक्स्ट है ए फाउंटेन पेन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरी एक्शन नेक्स्ट है ब्रास इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक नेक्स्ट है केमिकली लाइम वॉटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नेक्स्ट है सी एफ इज रिलेटेड टू एच एक् अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका सही आंसर आ रहा है हमारा आर यू नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके वो भी हम जब सोल्व करते हैं उसका तो सही आंसर आ रहा है जी सिक्स के यानी कि बी ऑप्शन सही है इसके बाद नेक्स्ट को अगर सोल्व करते हैं तो उसका भी बी ऑप्शन सही है उसके बाद क्वेश्चन नंबर वन फोटी इसको भी अगर हम सोल्व करते हैं तो इसका भी वी ऑप्शन सही है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा वन वन इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो इसका भी सही आंसर आ रहा है बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं विच कंट्री रिसेंटली चेयर द हाई लेवल मिनिस्ट्री मीटिंग ऑन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन इसका सही आंसर है अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नेक्स्ट है हमारा एज पर रिसेंट रिपोर्ट विच कंट्री रिकॉर्डेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एयर पोल्यूशन रिलेटेड डेथ हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने वायु प्रदूषण संबंधित मृत्युओं की अधिकतम संख्या दर्ज की है भारत भारत में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण की वजह से मौतें हुई है नेक्स्ट 2021 में सबसे अधिक धन प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन था इसका सही आंसर है भारत ये ऑप्शन सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2022 महिला एकल खिताब जीता इसका सही आंसर है ईगाटेक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का प्रथम अमृत सरोवर का हाल ही में उद्घाटन किस राज्य में किया गया इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 147, इसका सही आंसर है फ्लैटर 48 का सही आंसर है हमारा ए 49 का सही आंसर है हमारा 150 का सही आंसर है डी इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी वन इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी वन फिफ्टी टू का है ए वन फिफ्टी थ्री का है सी गायन वन फिफ्टी फोर का है गर्दन का प्रवेश ग्रीवा वन फिफ्टी फाइव का है माथा खाली करने का मुहावरे का अर्थ है अधिक बोलना श्रमदान में प्रत्य है दान नेक्स्ट वन फिफ्टी सेवन वाई इज द मैकेनिकल पावर डिवेल्प बाई ए डी सी सीरीज इज़ मैक्सिमम बैक ई एम एल टू हाफ द अप्लाइड वोल्टेज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थिन लेमिनेशन आर यूज इन ए मशीन इन ऑर्डर टू रिड्यूज ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है काफी आसान और बढ़िया क्वेश्चन है, है इसका सही आंसर हमारा एडी करंट लॉस वन एफ इज थियोरेटिकली इक्वल टू ऑफ वन टू वन वर्ल्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर एम एस वैल्यू इज डिफाइंड बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इसका सही आंसर है हीटिंग इफेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैम्प कैन वी डायरेक्टली कनेक्टेड टू सोलर सेल इसका सही आंसर है एल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162। ब्रीदर इज प्रोवाइडेड इन ए ट्रांसफॉर्मर एब्जॉर्ब मॉइस्चर ऑफ एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए शेडेड पोल सिंगल फेस मोटर द रिवॉल्विंग फील्ड इन इज प्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ शेडिंग कॉइल्स। द इलेक्ट्रिक मोटर यूज इन पोर्टेबल ड्रिल्स इज यूनिवर्सल मोटर नेक्स्ट है इन एल्यूमीनियम कंडक्टर स्टील क्योर इज प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ डी ऑप्शन सही है नेक्स्ट हमारा बंडल कंडक्टर्स इन ई एच पी ट्रांसमिशन लाइन्स डिक्रीज इंडक्टेंस इफ बी इनक्रीज द स्पेसिंग बिटवीन द फेस कंडक्टर्स द लाइन कैपेसिटेंस डिक्रीज Next time 168. All the rules and laws of DC circuit also apply to AC circuit containing resistance only. Next, the water efficiency of lead acid cell varies between 70 to 80 percent. The current flow through electrolyte is due to the movement of ions. Next camera द स्प्रिंग मटीरियल यूज इन स्प्रिंग कंट्रोल डिवाइस शुड हैव ऑफ़ द फॉलिंग प्रॉपर्टी ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट हमारा ए मेगर इज यूजली मूविंग ऑयल टाइप इंस्ट्रूमेंट नेक्स्ट हमारा नोमरिकल अगर इसे हम सोल्व करते हैं तो इसका सही आंसर आ रहा है नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन के ओ नेक्स्ट ने जनरली ग्राउंडिंग इज प्रोवाइडेड फॉर ओनली फॉर द सेफ्टी ऑफ इक्विपमेंट ऑनली फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑपरेटिंग पर्सनल दोनों सही है इसकी सी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव द ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ ए केबल डिपेंड ऑन ऑल ऑफ दिस प्रेशर ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर वर्किंग टेचर टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज नेक्स्ट है इन सिंक्रोनस मोटर डेंपर वोवाइड ऑन ऑल फेसेस नेक्स्ट है वन सेवन इन विच फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज ए ऑप्शन सही है न्यूक्लियर पावर प्लांट ये काफी सस्ता पड़ता है हमें इन स्प्लिट फेस मोटर द रनिंग बाइंडिंग शुड हैव लो रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टेंस बी ऑप्शन सही है नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टक्स्ट है द लेफ्ट हैंड रूल को रिलेट्स टू आसान सा क्वेश्चन है इसका सही आंसर है करंट मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ ऑफ फोर्स कंडक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन थ्री फेज सिस्टम द वोल्टेज आर सेपरेटेड बाई वन डिग्री नेक्स्ट है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिकली कपल्ड क्वाइल डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ दिस परिटी नंबर ऑफर एरिया ऑफनपुर क्वेश्चन नंबर वन एट्टी थ्री है ए फेजर इज ए ए लाइन विच रिप्रजेंट द मैग्नीट्यूड एंड फेस ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वान्टिटी क्वेश्चन नंबर वन एट्टी फोर है फोम फैक्टर इज द रेशो ऑफ आर एम एस वैल्यू लीक एवरेज वैल्यू क्वेश्चन नंबर वन एटी फाइव नाइक्रोम बायर इज एन एलो ऑफ निकल एंड क्रोमियम नेक्स्ट है बिच ऑफ द फॉलिंग डज नॉट हैव नेगेटिव टेम्परेचर ऑप्शन इसका सही आंसर है एलमिनियम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रोटर रूस्टेट कंट्रोल मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज यूज फॉर स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर ओनली स्टार डेल्टा स्टार्टिंग ऑफ मोटर इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सिंगल फेस मोटर स्लिपरिंग मोटर इज रिकमेंडेड वेयर स्पीड कंट्रोल इज रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंट स्टार्टिंग स्टॉपिंग एंड रिवर्सिंग इज रिक्वायर्ड हाई स्टार्टिंग टॉर्क सभी है इसमें यानी कि डी ऑप्शन सही है नेक्स्ट हमारा द केमिकल यूज इन ब्रीदर फॉर ट्रांसफॉर्मर शुड हैव द क्वालिटी ऑफ ऑब्जॉर्बिंग मॉइस्चर क्योंकि जो भी हम ब्रीदर में सिल्का जल डालते हैं उसका पर्पज मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करना ही होता है सो so, उसकी ये प्रॉपर्टी होना जरूरी है बिच ऑफ द फोलिंग डज नॉट चेंज इन एन ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर फ्रिक्वेंसी इसकी ऑप्शन ए रोटरी कन्वर्टर इज ए सिंगल मशीन विद वन आर्मीचर एंड वन फील्ड ये ऑप्शन सही है नेक्स्ट है मेरा द मोटर यूज फॉर द कंप्रेसर इज कंप्रेसर के लिए कौन सी मोटर यूज होती है कैपेसिटर कैपेसिटर रन सी ऑप्शन सही है नेक्स्ट विच मेटल इज सूटेबल फॉर मेकिंग द वायर वाउंड रेजिस्टेंस नाइक्रोन ये ऑप्शन सही है इस बात क्वेश्चन फाइव हाई टेंशन केबल आर जनरली यूज अप टू लेवल Next camera in a star delta starter of an induction motor applied voltage per stator phase is 57.7 percent of the line voltage. D option C. Question number 197 Normally, which of the following is used when a large scale conversion from AC to DC power is required? Mercury arc rectifier 1 Newton meter is the same as. बन जाओ नेक्स्ट है वायरिंग इज डन इन हाउस बिल्डिंग्स एट्सेट्रा इन पैलर वट इज़ कॉल्ड ए साइकिल इन केस ऑफ ए सी ऑपरेशन इसका सही आंसर है हमारा वी वैन ए सी गोज थ्रू ए कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव इसको सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों इससे पहले हमने लाइनमैन का पेपर का रिव्यू करा है और आज हमने सब स्टेशन अटेंडेंट का पेपर का रिव्यू कर लिया है सो तो दोस्तों अगर आप इसके अलावा भी कोई और पेपर्स का रिव्यू मुझसे चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएँ